लेकिन अब तक का जो रुझान और परिणाम आए हैं वो उसका सबसे बड़ा टेकअवे ये है कि लोगों ने बीजेपी की पॉलिसीज़ को और अहम की राजनीति को, घमंड की राजनीति को नापसंद किया है। हमारे साथ इस वक्त हैं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सचिन पायलट। जिस टाइप की मैंडेट आपको मिली है उसको आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, अभी तो परिणाम आए नहीं हैं, अभी मतगणना चालू है, लेकिन ये बात सच है कि पिछले चुनावों में हमारे पास एक भी सीट नहीं थी और इस बार हम लगभग 12 सीटों पर बढ़त बनाए हुए हैं। तो ये तो कार्यकर्ताओं की मेहनत है, हमारे उम्मीदवारों का चयन, हमारा नैरेटिव, हमारा कैंपेन और हमारा मैनिफेस्टो, ये सब जो है लोगों ने उसको पसंद किया। और कहीं ना कहीं जो नई सरकार बनी है राजस्थान में बीजेपी की, वो भी कोई छाप नहीं छोड़ पाई जनता के बीच में, ये उसका साफ इंडिकेशन है। क्योंकि बीजेपी हमेशा ये डबल इंजन की बात करती है, तो वहाँ तो पूरा डबल इंजन काम कर रहे थे, लेकिन हम सब ने मिलकर मेहनत करी है। और मुझे लगता है कई राज्यों में भाजपा का जो संख्या बल कम हुआ है वो उनकी 10 साल की जो गवर्नेंस थी उसका भी लोगों ने आकलन किया है और एक स्पष्ट संदेश दिया है। अब कल इंडिया गठबंधन के अलायंस लीडर्स की मीटिंग होगी और तय किया जाएगा कि आगे क्या रणनीति अडॉप्ट करनी है, लेकिन अब तक का जो संदेश आया है, जो मैंने आकलन किया है, वो बीजेपी के शासन को लोगों ने पसंद नहीं किया। और चाहे वो बंगाल हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे हरियाणा हो, राजस्थान हो, हर जगह भाजपा का संख्या कम हुई है। तो इसकी भी जिम्मेदारी किसी न किसी को लेनी चाहिए, पहली बात। दूसरा, जिन मुद्दों को लेकर भाजपा ने चुनाव लड़ा था वो हमेशा कुछ धर्म, जाति, मंदिर, मस्जिद, मंगलसूत्र, इस प्रकार की बातें हुई। हम लोग बात कर रहे थे महंगाई की, बेरोजगारी की, युवाओं को अवसर देने की, अग्निवीर की, किसानों को MSP देने की। तो हमारे मुद्दों को लोगों ने पसंद किया है और मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ सभी कार्यकर्ताओं का, पूरे देशवासियों का। बहुत बहुत मैच्योरिटी लोगों ने दिखाई है अपना वोट डालकर। और इसका, जैसे मैंने कहा, अभी बहुत जल्दबाजी होगी कहना कि भविष्य में क्या होगा, लेकिन अब तक का जो रुझान और परिणाम आए हैं वो उसका सबसे बड़ा टेकअवे ये है कि लोगों ने बीजेपी की पॉलिसीज़ को और अहम की राजनीति को, घमंड की राजनीति को नापसंद किया है। एक सवाल ये उठता है कि जैसे आपने कहा राजस्थान में कई मुद्दे थे इंक्लूडिंग MSP, अग्निवीर एट्सेट्रा, अगर हम नेशनली अगर बात करते हैं तो आपने खुद तकरीबन, मुझे अभी बता रहे थे, कोई 100 से ज़्यादा आपने सभाएं अटेंड की है, कई राज्यों में आपने कैंपेन किया है, तो नेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से मैं पूछना चाहूँगा, सवाल सबके मन में है कि क्या इंडिया अलायंस अब भी गवर्नमेंट फॉर्मेशन की रेस में है या फिर अब वो एक क्लियर जल्दबाजी है? अभी तो मतगणना चल रही है, अभी तो वोटिंग का जो काउंटिंग खत्म नहीं हुई है, पहले पूरी मतगणना खत्म होगी, ऑफिशियल रिजल्ट डिक्लेयर होंगे, उसके बाद इंडिया गठबंधन के सब नेतागण बैठेंगे और चर्चा करेंगे विकल्प क्या है, हम क्या क्या कर सकते हैं। बहुत जल्दबाजी होगा अभी कुछ कहना, लेकिन आज की चर्चा तो यहाँ तक सीमित रखनी चाहिए कि इस चुनाव का संदेश क्या है। जो 300 पार, 400 पार, 500 पार की बातें किया करते थे, उन लोगों को कम से कम समझना चाहिए कि इस तरह की जो आक्रामक राजनीति है, विपक्ष के नेताओं को दबाना, धमकाना, एजेंसीज का दुरुपयोग करना, मुख्यमंत्री को जेल में डाल देना, तो वो लोगों ने नापसंद किया है। मैं समझता हूँ पॉलिटिकल तो उसका ये एक सारांश ये है, बाकी फाइनल आंकड़ा क्या आता है, गठबंधन में कौन कौन है, क्या संख्या बल लेकर वो सामने आते हैं, वो उसका आज देर रात तक, कल मॉर्निंग तक पता पड़ेगा। आपके मतलब राजस्थान स्टेट में अगर हम देखें तो कई ऐसी सीटें हैं जो ज़्यादातर ईस्टर्न राजस्थान के साइड में आती है, जहाँ पर आपकी पार्टी को एक अच्छा परफॉर्मेंस देते हुए देखा गया है। आपने कई स्ट्रेटेजिक अलायंसेस भी किए थे वहाँ पर, जहाँ दूसरी पार्टियों के साथ आपने टाइप्स किए, तो इसमें क्या कैलकुलेशन था आपका, आप किस ऐसे ऐसे मुद्दे थे जिस पे आप बीजेपी को कॉन्फिडेंटली घेरने की कोशिश कर रहे थे, जो अब आपको लग रहा है हैज़ वर्क फॉर यू? चुनाव चल रहे थे तब किस प्रकार का एक वातावरण निर्मित किया गया, कांग्रेस पार्टी के बैंक के खाते सीज कर दिए गए, अलग अलग इंस्टीट्यूशंस को कमज़ोर करने की कोशिश की गई, और लोगों के मन में एक सवाल पैदा हो गया कि विपक्ष को ख़त्म करने की जो मुहिम चला रहे हैं क्या वो देश का भला कर रहे हैं? भाई, बहुमत की सरकार पहले भी थी, लेकिन विपक्ष को बिल्कुल नाउम्मीद कर देना, हताश कर देना, आक्रमण कर कर उनको केसेस डाल देना, छापे डाल देना, उनका चरित्र हनन कर देना, इस प्रकार की राजनीति को लोगों ने पसंद नहीं किया। और इन मुद्दों को लेकर हम जनता के बीच जब गए तो अच्छा रिस्पॉन्स मिला था, लेकिन फिर भी हम लोगों ने कहा कि ये बात किसी एक नेता या पार्टी की नहीं, ये देश का चुनाव है, तो संवैधानिक संस्थाओं का संरक्षण हो सके, हमारी जमहूरियत, हमारा लोकतंत्र और मजबूत हो, इन मुद्दों को लेकर गए। और युवाओं की जो उम्मीदें हैं उन पर ये सरकार पानी फेर रही है, बेरोजगारी इतनी बढ़ गई है, इन मुद्दों को लेकर हम जब जनता के बीच में गए तो लोगों ने इसको पसंद किया। और जैसा आपने कहा कि राजस्थान के अंदर हम हमेशा 5 साल में सरकार वहाँ बदलती है, तो सरकार नहीं है, 6-5 महीने सरकार को हुए हैं, लेकिन बावजूद उसके लोगों ने एक संदेश दिया है
राष्ट्रीय स्तर पर कि ऐसे नहीं चलेगा आगे। लोग ये भी कह रहे हैं कि ये सीट बाय सीट, स्टेट बाय स्टेट किस्म का एक चुनाव था, इसको कैसे देखें, नेशनल इलेक्शन, नेशनल वर्डिक्ट देखें या एक सीट बाय सीट, स्टेट बाय स्टेट वर्डिक्ट देखें? तो बीजेपी ने तो कोशिश की ना बुनाने की, धर्म की राजनीति को आगे बढ़ाने की कोशिश की है। और आप देखिए जो अयोध्या है वहाँ बीजेपी हारी है, फैजाबाद है जहाँ बीजेपी जीत नहीं पाई है, और इवन प्रधानमंत्री का जो मार्जिन है, विनिंग मार्जिन है, वो पहले कहीं 5-6 लाख का था, अब वो 1-1.5 लाख वोट से जीते हैं। तो लोगों ने मैसेज तो दिया है, अब आप मैसेज को ना लेना चाहो अलग बात है, लेकिन पब्लिक तो भाई सिर्फ वोट के माध्यम से बोल सकती है। तो हर स्टेट की अलग परिस्थितियाँ हैं, लेकिन जो ओवरऑल सिनेरियो का आप देखिए, क्योंकि ये चुनाव कोई एक राज्य का नहीं था, ये चुनाव पूरे देश का था, और जो राष्ट्रीय पार्टियाँ हैं उन्होंने पूरे देश में प्रचार किया था। ऐसा नहीं है कि कोई नेता एक भौगोलिक क्षेत्र तक सीमित रहे, पूरे देश में चुनाव किया, वही भाषण दिए। और आजकल डिजिटल एज है, आप जो भाषण जम्मू में देते हैं उसको लोग मुंबई में सुनते हैं। तो पूरा कैंपेन नेशनल इलेक्शंस के ऊपर था, हर स्टेट में कुछ क्षेत्रीय दल भी हैं, उसका भी इम्पैक्ट पड़ा होगा। लेकिन ओवरऑल जो डिक्लाइन आया है बीजेपी के नंबर्स में, मुझे लगता है वो सबसे महत्वपूर्ण कहानी है इस पूरे 2024 के चुनाव की। बस दो आखिरी सवाल, अभी प्रधानमंत्री ने ट्वीट कर ये कहा है कि ये एक NDA के लिए बहुत बड़ा थर्ड हिस्टोरिक टर्म है, और उनका जो टोन और लैंग्वेज है वो एक तरह से विक्टर का है, आप इस पर क्या कहेंगे? देखिए, विक्टर और लूज़र की बात तो आएगी जब फाइनल आंकड़े आ जाएंगे, लेकिन मैं तो इस पूरे चुनाव का जो पॉलिटिकल मैसेज है उसको कोई चाह के भी नहीं झुठला सकता है। कि मैसेज ये है कि इंडिया अलायंस की, विपक्ष की एकता को लोगों ने पसंद किया, हमारे उठाए मुद्दों को लोगों ने सराहा, एक्सेप्ट किया और वोट डाला है। बहुमत, आंकड़े, गठबंधन, सरकार का निर्माण, वो कल परसों की बात है। आज का तो ये हमारा टेक अवे है कि हमने जिन इश्यूज़ को टेकअप किया, जिस मुद्दे को लेकर राहुल गांधी चले 4,500 किलोमीटर लोगों को जोड़ने के लिए, आपस में एक अपनापन पैदा करने के लिए, ज़मीनी मुद्दों को उठाने के लिए, उन मुद्दों को लोगों ने पसंद किया, उनके हमारे नेताओं के प्रचार को पसंद किया, और किसी एक व्यक्ति नहीं, पूरे संगठन ने मिलकर मेहनत करी, तभी हमारा लगभग दुगना आंकड़ा हो गया, जो हमारा 2019 में संख्या बल था उससे हम दुगना हो गया है। तो अब बीजेपी क्या करे नहीं करे उनके ऊपर है, लेकिन पॉलिटिक्स में पब्लिक के स्पष्ट मैसेज को भी अगर हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो वो दुर्भाग्यपूर्ण रहेगा। कांग्रेस ऑर्गेनाइजेशनली इन रिजल्ट से क्या सीखे? अभी देखो, हम लोगों ने इम्प्रूव बहुत किया है, लेकिन जिन राज्यों में हम लंबे अरसे से पिछड़ रहे हैं वहाँ पर हम लगता है अब और दुगनी ऊर्जा के साथ हम काम करने की हमको संकल्प लेना चाहिए। जिन राज्यों में हम लोगों ने परफॉर्म अच्छा नहीं किया है वहाँ पर अब हम, मैं तो उसको एक तरह से संभावनाओं के तौर पर देखता हूँ कि वहाँ बहुत स्कोप है काम करने का, उसको काम करेंगे। और इस चुनाव से निश्चित रूप से पार्टी को ताकत और बल मिला है, इसे कोई मना नहीं कर सकता, लेकिन काम ख़त्म नहीं हुआ। राजनीति में संघर्ष, मुद्दे और पब्लिक के बीच में जाकर रहना, उनके उनकी आवाज़ को बनाए रखना, ये एक निरंतर प्रक्रिया है, इसको करते रहेंगे। हमसे बात करने के लिए तो ये थे सचिन पायलट, अंशुल वर्मा के साथ जुगल पुरोहित, नई दिल्ली से BBC हिंदी के लिए।